बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब असली तहलका तो अब मचेगा। जी हाँ दोस्तों, भाई सॉलिड सॉलिड अपडेट लेकर आया हूँ आज। कल मूवी देखने जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख कर जाना, भाई मजा आ जाएगा बाय गॉड। चलो टाइम खोटी ज्यादा नहीं करते हुए आपको बताता हूँ, एडवांस बुकिंग की तो बात करेंगे ही पहले, लेकिन उससे बाद 3 कैमियो होने वाले हैं पूरी मूवी में। जी हाँ सही सुना, और एडवांस बुकिंग में इस साल की नंबर 1 मूवी बन चुकी है जवान। जी दोस्तों, इस साल की द जाइंट पठान के एडवांस कलेक्शन को खदेड़ दिया है, जो 32 करोड़ के आसपास था। अभी शाम 6 बजे के आसपास मूवी ने 34 करोड़ के जबरदस्त कलेक्शन अपने खाते में रख लिया है एडवांस से ही, 3 लैंग्वेज को मिलाकर और IMAX कलेक्शन को मिलाकर। जी दोस्तों, हिंदी, तमिल, तेलुगु और हिंदी IMAX से मिलाकर जवान ने शाम 6 बजे तक एडवांस बुकिंग कलेक्शन से ही 34 करोड़ का सॉलिड होल्ड अपने खाते में रख लिया है। इसी के साथ एडवांस टिकट बुकिंग के मामले में भी पठान को खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, पठान 10,80,000 टिकट बेचे थे मूवी रिलीज होने से पहले, और जवान ने आज शाम 6 बजे तक ही, अभी पूरे 8 से 10 घंटे बाकी हैं फिर भी मूवी रिलीज होने के लिए फुल नाइट बुकिंग चलेगी अभी, और जी हाँ दोस्तों 13,00,000 से ज़्यादा टिकट जवान ने बेच दिए हैं अभी तक, और अभी पूरी नाइट बुकिंग चलेगी। दोस्तों सुनामी चल रही है बाय गॉड, और डेफिनेटली जो मैं आंकड़ा सेट करके चल रहा था कल सुबह 6 बजे तक, शायद 38 से 40 करोड़ का एडवांस बुकिंग कलेक्शन जवान कर लेगा, पक्का कर लेगा। भाई मजा आ गया, क्योंकि ऐसे अगर रुझान चलते रहे, ऐसी बुकिंग चलती रही, तो पक्का कल सुबह 6 बजे तक मूवी एडवांस से ही 38 से 40 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी। इसी के साथ ओवरसीज की अगर बात करूं तो 2.25 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन ये अभी तक कर चुकी है, जो कि INR 18.20 करोड़ होता है। भाई साहब तबाही देखने को मिल रही है बाय गॉड, ऐसा एक्सपेक्टेशन था ही नहीं इस मूवी से। क्योंकि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, कलेक्शन शाम तक के 34 करोड़ को और ओवरसीज कलेक्शन को जो 18 करोड़ का अभी था, भाई साहब ये आंकड़ा 52 करोड़ कलेक्शन पूरी दुनिया से सेट कर चुका है, इंडिया सहित और ओवरसीज सहित, मतलब पूरी दुनिया से 52 करोड़। भाई साहब ये फर्स्ट डे कलेक्शन था गदर 2 मूवी का, अगर आपको याद हो तो, और अभी कल की बुकिंग बाकी है, फुल नाइट जो चलेगी बुकिंग वो बाकी है, तो कल एंड ऑफ द डे तक मैं मान के चल रहा हूं फर्स्ट डे कलेक्शन, मैं कह रहा हूं इंडिया से 70 करोड़ तो टच करेगा ही करेगा, और ओवरसीज से लगभग 45 करोड़ के आसपास जाएगा, तो अराउंड 130 करोड़ के आसपास फर्स्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। इसी के साथ आज की मास्टर ब्लास्टर अपडेट ये है कि 3 कैमियो देखने को मिलने वाले हैं। फुल डे वायरल न्यूज़ थी ये आज की, पता तो सुबह ही चल गया था, लेकिन अब कुछ ट्रस्टेड सोर्सेस से भी ये कैमियो वाली न्यूज़ पर जोर दिया जा रहा है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। जी दोस्तों, संजय दत्त, विजय थालापति और अल्लू अर्जुन, भाई साहब सही सुना, अल्लू अर्जुन का भी कैमियो देखने को मिल सकता है। विजय थालापति और संजय दत्त का तो पहले से ही पता था, मतलब ये बात पहले ही चल रही थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो कल आराम से जाएं और मूवी का मजा लीजिए। लेकिन एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जाने से पहले एक चीज़ ये क्लियर करके जाना कि ये जो कैमियो वाली न्यूज है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना। मूवी सिर्फ देखने जाना तो शाहरुख खान के बेस पर देखने जाना, अटली कुमार के डायरेक्शन को देखने जाना, मूवी का मजा लेने जाना, लेकिन ये कैमियो वाली न्यूज़ का एक्सपेक्टेशन मत लेके जाना, क्योंकि ऑफिशियली ये अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ, मेरी नज़र में जो ट्रस्टेड सोर्सेस हैं उन्होंने ये रिवील करा है, तो मे बी 50-50% के चांसेस हैं कैमियो देखने को मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत करके जाना अभी। तो मूवी देखने के लिए कौन कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट बॉक्स पर पहले ये बता के जाइए, और आपको क्या लगता है फर्स्ट डे जवान 150 करोड़ प्लस हिट करेगी या नहीं, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।